नमस्कार महिंद्रा तनिया को स्वागत मु बिस्मी बुलेटिन आरंभ करबा किंतु अपूर्व रु हेडलाइंस G7 समिति को प्रधानमंत्री संबोधन एक विश्व एक स्वास्थ्य नहीं मोदी मंत्र बैठक में सामिल हेले विश्वर सात बड़ आर्थिक शक्ति महामारी बेले भारत सहयोग को कले प्रशंसा। 84तम जीएसटी परिषद बैठक ब्लैक फंगस औषध को टैक्स मुक्त कले केंद्र सरकार। कोविड सामग्री उपर टिकस ह्रास नहीं गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति। आंबुलांस उपर 12% जीएसटी लागू नहीं अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सूचना। राज्य में जारी रही लघुचाप वर्षा 12 घंटा भितर केतेक जिले में प्रबल वर्षा संभावना। प्रथम वर्षा बेहाल हो ट्विन सिटी पुणि फेल मारा जल निष्कासन सह ड्रेनेज व्यवस्था। नकली कोरोना मेडिसिन को नहीं बढ़ला चिंता। कटक पर संबलपुर एवं राउरकेलू जबत है नकली औषध कोरोना मेडिसिन ना बिक्री होष स्वास्थ्य विभाग तत्परता उपरे उठिला प्रश्न। द्वंदे युक्त दुई छात्र छात्री केमिति हेबो मूल्यायन विशेषज्ञ कमिटी पाखे कौन रही विकल्प मत रखिले शिक्षाविद एवं छात्र संगठन निष्पत्ति को अनाई बसंती राज्यर 3.5 लाख छात्र छात्री। कोविड्रे होते मृत्यु नयागढ़ आसी सांघातिक तथ्य चंदपुर कोविड केयार हस्पिटाल कोरोना मृत्यु को नहीं हरडघणा जिला प्रशासन गणमाध्यम को ताली पका जवाब दे जिलापा। अनलॉक मुहा ओडिशा 5% तले संक्रमण हार थिबा जिलारे कोहला हेबो कटकणा एबे भी 5 जिलारे पॉजिटिव रेट 10% रु अधिक कटक भुवनेश्वर जारी रही पारे लॉकडाउन। एवं सफल होउछि केन्द्रर योजना आकांक्षी जिला कार्यक्रम को प्रशंसा कला UNDP विश्वर अन्य देश अनुकरण सुपारिश। स्वास्थ्य एवं सृष्टि साधन समेत माओ मुकाबला क्षेत्र में मालकानगिरी जिले में उल्लेखनीय सफलता। एबे देखिबा संपूर्ण खबर। कोरोना काल में G7 समिति को संबोधन करिछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वर्चुअल माध्यम रे जोगदे प्रधानमंत्री मोदी एक विश्व एक स्वास्थ्यर मंत्र देछंती। G7 समितिर प्रथम पर्याय बैठक अनुष्ठित होछि। विश्वर सात बड़ आर्थिक शक्ति एही बैठक रे सामिल होछंती। मोदी स्वास्थ्य मंत्र को विशेष भाव उल्लेख करने दृढ़ समर्थन करिछंती जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल। यहसह फ्रांस राष्ट्रपति एवं ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री मोदी संबोधन को प्रशंसा करते। महामारी बेले G7 एवं अन्य राष्ट्रों द्वारा भारत को मिलता समर्थन को प्रधानमंत्री मन पकायस विश्व स्वास्थ्य क्षेत्र में महुष्य प्रयास द्वारा उन्नति अणाईपर बोली प्रधानमंत्री। चौरासीतम जीएसटी परिषद बैठक अनुष्ठित होछि। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण को अध्यक्षतारे बसथबा जीएसटी काउंसिल बैठक में कोविड सामग्री उपर टिकस ह्रास गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति निया जायछि। कोरोना सह जड़ित सामग्री उपर मंत्री समूह करथबा सुपारिश को जीएसटी काउंसिल स्वीकार करछि। ब्लैक फंगस औषध को टैक्स मुक्त करा जायथिबा बले कोरोना टीका उपर पूर्वरु थिबा 5% टैक्स को बलबत्त रखा जायछि। कोरोना सहित जड़ित जो सामग्री गुड़िक उपर टैक्स ह्रास करछि ताहा मध्यरे रहिछि मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वेंटिलेटर बाइपास मेसीन हाइफुल नलाजा फुलना एवं कोविड टेस्टिंग किट। जीएसटी काउंसिल यह सब सामग्री उपर लागू होता 12% टैक्स को ह्रास कर 5% करंबुलांस 12% जीएसटी लागू हो अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सूचना देते। टुडे द रिकमेंडेशंस व्हिच हैव बीन गिवन विद इन 8 डेज लेस देन 8 डेज ऑफ द सबमिशन ऑफ द GOM's रिपोर्ट 6th इट वाज सबमिटेड टुडे वी हैव हेल्ड द मीटिंग and the recommendation of the GST GOM on this issue of goods which are being used for the COVID-19 treatment was placed for the GST council to discuss. I'll just highlight what the decisions have been. The GOM's recommendations have been accepted. Just 3
items on which the rates were further considered. And on the period up to which this will be valid has also been slightly altered. The period up to August was the recommendation. After discussion in the council, that has been extended to September. So this will be valid till September 30th. And based on the advice and also from the states the input, whether that period has to be further extended will be taken as a call nearer the time, and the GIC will probably will take the responsibility of eliciting the opinions, taking the political leadership's inputs and meeting to take a final word on whether that extension should be furthered after September. The second is three items which the GOM had recommended at one level after discussion in the committee, in the GST Council, we have brought in changes. They are particularly one item which is the furnaces, the electric furnaces which are used in the crematoriums. The GOM had recommended 12%. We, after the discussion in the council, have brought it down further to 5%. Then temperature checking equipments, the GOM recommended 18%. After discussion in the council today, we are bringing it down to 5%. And the third item, which is the ambulances, the GOM had recommended at 28% because it has a different connotation to the automobile sector. But even then, because it's for a limited period and because it's a very enduring asset for the hospitals, even with depreciating value, nevertheless, we thought even ambulances should be brought down. So the GOM's recommendation of 28% for the ambulance has been brought down to 12%. Then it was felt that the GOM's recommendations has brought in a lot of substantial change. Many items were at 18, they have been brought down to 5. Many items which were at 12 have been brought down to 5 again. Today the recommendations which have been given within 8 days, less than 8 days of the submission of the GOM's report. राज्यरे लघुचाप प्रभावरे वर्षा बढ़ुछे गत 24 घंटा भितरे उपकूल ओडिसारे अधिक वर्षा होइतबा बेले शनिवार सुंदरु अनेक स्थानरे वर्षा लागी रहछि आसंता 24 घंटा भितरे लघुचाप घनीभूत होई अवपात र रूप नै पारे आसंता 14 रु 16 तारीख जाय एहा ओडिसारा उपरे रहइबो तबे एहा सह उत्तर ओडिसारा बैतरणी एवं सुवर्ण रेखा नदी फुली पारे बोली जहा मध्ये सूचना रहछि शनिवार 23 जिला को मौसमी छुइंतबा बेले आज 24 घंटा भितरे बाकी 7 जिला को मौसमी छुए बोली सूचना रही अंपटे प्रबल वर्षा भुवनेश्वर कटक बेहाल पुछी शनिवार सन्धार ट्विन सिटी प्रबल वर्षा सह घड़घड़ी लगि रही दीर्घ समय पर्यंत वर्षा लग रही बेले तलिया अंचल गुड़िक जमी फल ड्रेनेज अव्यवस्था को नहीं पुणि उठी बड़ प्रश्न लोक मैंने रास्ता उपरक आसी रास्ता सफा कर देखा मिली मौसमी वायु सक्रिय हो राज्य में वर्षा लग रही किसी स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा होवार आशंका रही बुलेटिन समय छक ब्रेक ब्रेक पर भी खबर जारी रहा ब्रेक पर स्वागत नकली कोरोना मेडिसिन को नहीं बढ़ला चिंता कटक रे बिक्री होतिबा नकली मेडिसिन कुआडे जाइछि ताकु नै ड्रग्स कंट्रोल विभाग आरंभ करछि तनाघना घटनार तदंत निर्देश दैछन्ति स्वास्थ्य विभाग सेपटे संबलपुर एवं राउरकेला रो जबत होछि नकली कोरोना औषध विष कोरोना औषध नारे बिक्री हेउथिला विष कटक कनिका छक नकली कोरोना औषध जबत होगा कोकुआ भय शिवप्रसाद जेना गोदाम 70 लाख टकर ऊर्ध नकली कोरोना औषध मिलवा पर ड्रग कंट्रोल विभाग तनाघना केवल जिला ना राज्य बाहर को यह औषध जाऊला ताकू आरंभ हो तदंत गत मे 25 तारीख में महाराष्ट्र नकली औषध जबत होगा
ଟଙ୍କା ଲିଙ୍କରେ ଶିବପ୍ରସାଦ ଜେନାଙ୍କ ଗୋଦାମରେ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇ ଜବତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ନକଲି କରୋନା ଔଷଧ। ଦୀର୍ଘ 10-12 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଔଷଧ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ଏ ବିଷୟରେ ନା ଡ୍ରଗ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବିଭାଗ ପାଖେ କୌଣସି ଖବର ଥିଲା ନା ପୋଲିସ ପାଖରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଔଷଧ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ଓ କିଏ କିଏ ସେବନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଖୋଜିବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବିଲ୍ରେ ମେଡିସିନ୍ କିଣିଛି, ବିଲ୍ରେ ମେଡିସିନ୍ ବିକିଛି। ଦୀର୍ଘ 10-12 ବର୍ଷ ଧରିକି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏ ଔଷଧ ବ୍ୟବସାୟରେ ଜଡ଼ିତ। ମୋର ପୁରା ଭରସା ଆମ ଡ୍ରଗ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ, ଆମ ଡ୍ରଗ୍ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ଉପରେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆଲିଗେସନ୍ ହେଇଛି, ଏଇଟା ନକଲି ବୋଲି ନୁହଁ। ମୁଁ ଆପଣ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆକୁ ନକଲି ବୋଲି ଆଉ ଫର୍ଦର ଆପଣ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଆପଣ ଆଉ କହିବେନି। କାରଣ ନକଲିଟା ହେଉଛି ଯିଏ ତାକୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କରେ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡର। ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିକିଥିବା ସମସ୍ତ ଔଷଧକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଫେରାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦୋକାନୀକୁ ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ବିକ୍ରେତା ସଂଘ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ବିବରଣୀ ଡ୍ରଗ୍ ବିଭାଗକୁ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ସଂଘ। ଏହାସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଫାର୍ମ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛି ସଂଘ। ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଆମେ କାଲି ରାତିରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସମସ୍ତ ଔଷଧକାରୀଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ଦେଇଦେଇଛୁ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଫାର୍ମ ସହିତ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଆମେ କାଲି ରାତିରୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛୁ, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁଠି ଯାହା ମାଲ୍ ବିକିଥିବେ ଯାହା କରିଥିବେ ସବୁ ଆଜି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ଖୋଳତାଡ଼ ହେଇକି ସବୁ ଆଜି ରିଟର୍ନ ଆସିଯିବ, ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ସମୂହ ବହିଷ୍କାର କରିବୁ। ଆମ ସଂଗଠନରୁ ସମୂହ ବହିଷ୍କାର କରିବୁ। ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ହିସାବରେ ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ ମେମ୍ବର କେବେ କରିନୁ, ବା ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଆମେ ମେମ୍ବର କରୁନୁ, ସେ ଆମ ମେମ୍ବର ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କିଛି ଧନ୍ଦା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଥିବ ସେଇଟା ଆଜିଠୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଟୋଟାଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା କଥା ହେଉଛି ଯେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାଟା ଯେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତାକୁ ତ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଯାହା ହେବା କଥା ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଔଷଧ କୁଆଡ଼େ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଯାଉଛି, ତାର ତଦନ୍ତ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଏକଦମ ନିହାତି ହେବା ଉଚିତ। ସେପଟେ ଘଟଣା ପ୍ରଘଟ ହେବା ପରେ ଔଷଧ ନିଗମ ଓ ପୋଲିସ ମିଳିତ ଭାବେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଔଷଧ କେଉଁଠୁ ଆସି କେଉଁଠିକୁ ଯାଉଥିଲା ସେ ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ଏସବୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଔଷଧ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ରୋଗୀ ମେଡିସିନ୍ରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ନକଲି ଔଷଧ ବିକ୍ରି କରିବା ଭୟଙ୍କର ଅପରାଧ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଦରକାର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ମୋ ମତରେ ଭୟଙ୍କର ଅପରାଧ, ସେମାନଙ୍କ ଯେତେ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନେଇ ହେବ ସେଟାକୁ ନେବା କଥା। ଏଇଟା ତ କାହାର ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳିବା କଥା ନୁହେଁ, କିଛି ପଇସା କମେଇବା ପାଇଁ ମାନେ ଉପାୟ ଏଇଟା ଭଲ ଜମା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଜମା ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ଼ ନୁହେଁ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଭଦ୍ର ସୋସାଇଟିରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆକ୍ସନ୍ ହେବ, ମୋ ମତରେ ଷ୍ଟ୍ରିଞ୍ଜେଣ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା କଥା ସେମାନଙ୍କୁ। କଟକ ପରେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ନକଲି କରୋନା ଔଷଧ ଜବତ। ନକଲି ଔଷଧ ରାକେଟ୍ ପଛରେ ଆଉ କାହାର ରହିଛି ଲିଙ୍କ? କାହା ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ଚାଲିଥିଲା ଏହି ବ୍ୟବସାୟ? କାହିଁକି ରାଜ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ନାହିଁ ଡ୍ରଗ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବିଭାଗ? ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଲାଣି ପ୍ରଶ୍ନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି, କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। କେମିତି ହେବ ଯୁକ୍ତ 2 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୂଲ୍ୟାୟନ? ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି କ'ଣ ନେବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି? କମିଟି ପାଖରେ କ'ଣ ବିକଳ୍ପ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଏନେଇ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାବିତ୍। ସେପଟେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କମିଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅନାଇ ବସିଥିବା ବେଳେ କିପରି ମିଳିବ ମାର୍କ ସେ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି। ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ପରେ କେମିତି ହେବ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ? ସରକାର ଗଠନ କରିଛନ୍ତି 14 ଜଣିଆ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି। ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅନାଇ ବସିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର 3.5 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ତେବେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ପାଖରେ କ'ଣ ରହିଛି ବିକଳ୍ପ? ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ପ୍ରଫେସର ଆର୍ ଏନ୍ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ମତରେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ୱେମାର୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଉ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ରଖିବେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଉ। ତୃତୀୟ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ସବୁ ବିଷୟରେ ୱେମାର୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଉ। ପରୀକ୍ଷାରେ ମିଳିଥିବା ନମ୍ବରକୁ ରାଙ୍କ ଦିଆଯାଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନର୍ସ ମିଳୁ, ଅନର୍ସକୁ ଆଧାର କରି ମେଧାବୃତ୍ତି ଦିଆଯାଇପାରିବ। 1 ନମ୍ବର ବିକଳ୍ପ ହେଲା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ଦିଆଯାଉ, ଆମର 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ନମ୍ବରକୁ ମାର୍କକୁ ବେସ୍ କରିକି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିକଳ୍ପ ଆମେ କରିବା ଯେ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ବହୁତ ପିଲା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଅନଲାଇନ୍ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୋଚିଂ ହୋମ୍କୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯାଇକି ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମନରେ ବହୁତ ଚାପ ରହିଛି, କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାର୍କସିଟ୍ ମିଳିବ ଯେଉଁଟା ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କରେ କାଉଣ୍ଟ ହେବ। ତୃତୀୟ ବିକଳ୍ପ ମୁଁ କହିବି, ଗୋଟିଏ ଅନଲାଇନ୍ରେ
ओएमआर टेस्ट करा जाऊ बा परीक्षा करा जाऊ जो परीक्षा रे आर्ट्स कॉमर्स साइंस सब पिला तांकर सब्जेक्ट रे परीक्षा देबे जहाँ नंबर से माने पाइबे सेई नंबर अनुसार तांकु रैंकिंग करा जिवो आउ सेई रैंकिंग अनुसार से माने ऑनर सब्जेक्ट नेकि पढिबे आउ सेई रैंकिंग अनुसार तांकर मेधावृत्ति भी तांकु दिया जिवो। युक्त दुई छात्र छात्री को थ्योरी परीक्षा होइनी किंबा प्रैक्टिकल भी होइनी पूर्वर ऑनलाइन रे कोनोसी एग्जाम होइतिले छात्र छात्री को मार्क देबार असुविधा होइन थांता सरकार को यह दूरदृष्टि अभाव बोली मत प्रकाश पाई सेपटे मार्क को अनाई बसिथिबा छात्र छात्री विशेषज्ञ कमिटी किपरि मार्क देबे सेने चिंता रे अनाउंस कर देले जे नवम एकादश प्रमोशन दे दिया हो सेमते बिना परीक्षा रे सेटा प्रकृत असुविधा हला नवम एकादश परीक्षाटा यदि हेइ थांता अंततः एकादश परीक्षा मार्कटा आम पाखे थांता जोटा कि द्वादश श्रेणी पिला जज करने को सुविधा होता कौन से असुविधा नाला द्वितीयतः हूँ जनवरी फेब्रुआरी मार्च रे जो तीन मास रिगरस क्लास है से समय परीक्षा गोटे करदे भी होता द्वादश श्रेणी परीक्षा भी प्री बोर्ड परीक्षा हो पारिता से कले ना खाली क्लास चलला शहे दिन खूब भल क्लास मना करूनि से क्लास भितर भी अंतत पचास मार्क जब करदे बहुत भल कथा तृतीयतः सीबीएसई को आम अंधभाव अनुकरण करवा उचित नुहे कहीं सीबीएसई पैटर्न अलग सीएचएसई पैटर्न अलग एग्जाम दे पारे नहीं तो आउ थे मुझे चाहूचे एग्जाम कैंसल मैं एग्जाम हो मैंने आउ थे टीचर्स मैं मत तो ठीक अच्छे बट आम मैंने सब ट्राए कर जो मैंने टेन्थ्रे कम मार्क रखीलु कि जो मैंने भी रखी से प्लस टू सेकेंड इयर में भल मार्क रखा ट्राए कर तो ये आम जिते भी जो मैंने मेधावी आम अच्छे डिसअपॉइंटेड हबु ऑब्वियसली आमको ठीक मार्क मिल पारे छात्र संगठन मध्य विशेषज्ञ कमिटी निष्पत्ति अपेक्षार रही पिलांक भविष्यत को नजर रखि कमिटी निष्पत्ति नेउ बोली छात्र संगठन दाबी करिछि गत किछि वर्ष रे भी एमिति स्टूडेंट माने जो माने आत्महत्या करछन्दि आउ एटा एही पेंडेमिक टाइम रे भी जदि पिला मानकु सेही प्रकार जो माने पढिछन्दि स्कूल फीस देइ कि तांकर सबु करिछन्दि तथापि तांकर एग्जाम प्रति जदि एही जिंस अन्याय करिवे तले छात्र कांग्रेस एटा को विरोध करिवो केही भी जेमिति सरकारकर जो निष्पत्ति आसुछि बा जो माने केउ आधार रे सरकार ताको माने सेमानको एग्जाम रो रिजल्ट देबे ता कहारि प्रति अन्याय न हो समस्त प्रति न्याय पूर्वक सरकार रिजल्ट देबा पई विद्यार्थी परिषद सरकार पाखर मध्य एक दाबी पत्र रखिछि। राज्य रे भुसुडी पडिछि शिक्षा व्यवस्था युक्त दुई मूल्यायन को नहीं एबे चिंता रे छात्र छात्री अभिभावक तबे सपटे 14 जनिया विशेषज्ञ टीम को नहीं चली जोरदार प्रस्तुति केमिति रहिबो मार्क आधार केमिति पिला पाइबे मार्क ताकु नहीं उठी बड़ा प्रश्न। भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन प्रदीप का सह सुप्रांजलि महंती अर्गस न्यूज बुलेटिन समय आउ एक ब्रेक ब्रेक पर स्वागत फेरवा खबर को महांगा ब्लॉक गोतरा गाँव रे दृश्य अभावनीय दृश्य 70 वर्षीय वृद्धा को निस्तुक माड़ मारुछंती किछि लोक एक बिजुली खुंटरे बांधी तांको माड़ मारुथिबार वीडियो एबे सोशल मीडिया रे वायरल हेबार लागछे। महांगारे कंगारू को बिजुली खुंटरे बांधी वृद्धा को निस्तुक माड़ महांगा ब्लॉक गोतरा गाँव रे दृश्य विचलित कला भली 70 वर्षीय वृद्धा को निस्तुक माड़ मारुछंती किछि लोक खाली से नुह तांको घरे पशि भंगारुजा भी करुछंती। सूचना अनुसार गोतरा ग्रामर कार्तिक चंद्र साहू को एक छेली मरी पड़ा देखा मिलता से सन्देह से गाँव जने 70 वर्षीय वृद्ध गौरांग राउत को गाँव किसी लोकों सहयोग में एक बिजुली खुंटे बांधि निस्तुक माड़ मारे जार भिड एवं सोशल मीडिया भाइराल होबार लगी आउ एतिकरे तांको मन शांति हेलानी जे घरे थिबा वृद्धांकु मध्य माड़ मारी तांको घरे अनेक जिनिस भंगा रुजा करथिले। परवर्ती समय रे पुलिस खबर पाई घटनास्थल रे पहुंची वृद्ध दंपति दयंकु सेठार उद्धार करी निश्चित कोइली गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र रे भर्ती करथिला। वृद्ध दंपति को माड़ मारिबा परे कार्तिक साहू छेली मृत्यु अभियोग नहीं महांगा थाना रे अभियोग करथिले। परे संपृक्त वृद्ध दंपति मेडिकल लु फेरी महांगा थानार द्वारस्थ होई अभियोग करथिले। तबे पुलिस उभय अभियोग को रखि तदंत आरंभ कर रिपोर्ट केन्द्र सरकार आकांक्षी जिला योजना सफल मडे विश्वर अन्य देश यहाँ अनुकरण करंतु प्रकाश पाई यूएनडीपी रिपोर्ट में यह कहु केन्द्र सरकार योजना द्वारा
लाभवान होछि देशर पछुआ जिला ओडिशार आकांक्षी जिला मध्य एहार सीधा सळख सफल पाइछन्ते। स्वास्थ्य एवं पुष्टि साधन समेत कोविड मुकाबला एवं माओ मुकाबला क्षेत्र में मालकानगिरी जिलार उल्लेखनीय सफलता को प्रशंसा करिछि यूएनडीपी। पछुआ न कही बढ़िबा को इच्छा थिबा जिलार नामकरण मोदी स्ट्राटेजी रंग आनिछि। सफल होउछि केन्द्रर योजना, पछुआ जिला को मिलुछि फायदा, आकांक्षी जिला कार्यक्रम को यूएनडीपी रा प्रशंसा, विश्वर अन्य देश अनुकरण पाई सुपारिश। प्रकाश पाई मिलित जातिसंघ विकास कार्यक्रम बा यूएनडीपी रिपोर्ट केन्द्र सरकार का आकांक्षी जिला योजना को सफल मॉडल बोली कही यूएनडीपी। स्वास्थ्य एवं पुष्टिकर खाद्य, शिक्षा, कृषि और जल संपद, भित्तिभूमि, दक्षता विकास और अर्थनैतिक प्रगति आधार में योजनार मूल्यांकन करा। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्यम आरंभ करा। सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास को नहीं आकांक्षी जिला योजना कार्य करुछि। यह योजना जो पूर्व अवहेलित जिला समेत वामपंथी उग्रवाद द्वारा प्रभावित लोके पूर्व अपेक्षा विकास रे अधिक भाग पाई रिपोर्ट रे कहा। केन्द्र आकांक्षी जिला योजना द्वारा ओडिशा मध्य लाभवान होइछि। केन्द्र योजनार सीधा सड़क फायदा पाई ओडिशा। आकांक्षी जिला योजन ओडिशार 10टी जिला रही। नवरंगपुर 13 नंबर रैंक रे थिबा बेले रायगड़ा 16, कोरापुट 17, ढेंकानाल 32, गजपति 46, कंधमाल 58 रैंक रे रही। सेपरी कलाहांडी 63, बलांगीर 75, नुआपड़ा 76 और मालकानगिरी को 103 रैंक मिली। स्वास्थ्य और पुष्टि साधन समेत कोविड मुकाबला और माओ मुकाबला क्षेत्र में मालकानगिरी जिलार उल्लेखनीय सफलता को प्रशंसा कर यूएनडीपी। माओ अधिष्ठित जिला होउछि मालकानगिरी। जिलार रैंक 103 थिले भी माओ मुकाबला ह्रास पाई जहाँ को प्रशंसा कर यूएनडीपी। प्राथमिक दिनगुड़िक ओडिशा आकांक्षी जिला योजन सामिल होगा नहवा नहीं द्वंद्व सृष्टि होता। ए योजन केते अधिक अर्थ मिल ताकू प्रसंग करिथिले राज्य सरकार अधिक अर्थ अपेक्षा जेतिक अर्थ आसुछि एहाकू क्रियान्वयन रे लागिथिबा जिल्लार विभिन्न विभाग राज्य और केन्द्र सरकार मध्यरे उपयुक्त समन्वय और समयोपयोगी पदक्षेप उपरे गुरुत्व देथिले मोदी। आज मोदी दृढ़ राजनैतिक इच्छाशक्ति जोगु एही योजना पछुआ भावरे परिचित जिल्लागुडिकर साधारण जनतांक भाग्यरे आनिछि बड़ परिवर्तन। यूएनडीपी रो रिपोर्ट परे ट्वीट करी खुशी व्यक्त करिछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारतर आकांक्षी जिला कार्यक्रम देशर विभिन्न क्षेत्रर विकास को सुनिश्चित करबा को लक्ष्य रखिथिबा कहिछंती प्रधानमंत्री। 2018 मसीह रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एही योजना आरंभ करिथिले। उद्देश्य थिला 28 राज्यर अधिकांश पछुआ जिले में परिवर्तन आणिबा। केन्द्र सरकारंकर एही महत्वाकांक्षी योजना सफल रूपायन होइछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्धता जोगु एही योजना सफल होइ पारिछि बोली रिपोर्ट रे कहा जाय छी। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। समस्त रे छी ब्लडिंग रखु छु। नमस्कार।